मेरा प्लांटेड टैंक मैंने आपको कभी भी इस तरीके से नहीं दिखाया होगा। अभी देखिए इसमें तकरीबन 25% पानी जो है वो कम हुआ हुआ है और अंदर काफ़ी एक मैस बना हुआ है। वजह यह है कि आज मैं सफाई करने जा रहा हूँ इसकी, तो कुछ पीछे जो पत्ते हैं उनको क्लीन अप करना है जो ड्राई हो गए हैं। जैसे ही मनी प्लांट है तो इसके जो ड्राइड लीव्स हैं इनको निकाल देंगे। बाकी कबोम्बा यहाँ पे थोड़ा तैर रहा है, इसको भी प्लांट करना है। लेकिन आज जो मेन काम की चीज़ है वो ये है कि मुझे अमेज़ॉन को थोड़ा प्रोपोगेट करना है। ये पीछे आप देखें एक जो प्लांट उग रहा है ये अमेज़ॉन है, और इस अमेज़ॉन ने 3 शूट्स दी हुई है। ये जो लंबी लंबी एक वाइन कह लें, क्या कह लें इसको, स्टेम निकली हुई है, ये इसके शूटर्स हैं जिसके अंदर से नए प्लांट्स उगना शुरू हो गए हैं। तो जब ये उगना शुरू होता है ये मदर प्लांट में से निकलती हैं ये ऑफ शूट्स, और हर उस पे डिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा उनके नोड्स होते हैं जो कि आपको ये कोने वाली में दिख रहे होंगे, और हर उसमें से नोड में से एक प्लांट नया निकलता है। तो अभी देखिए ये प्लांट्स ने रूट्स भी देना शुरू कर दिए हैं। मज़े की बात ये है कि अगर आप इस प्लांट को, इस शूट को अगर आप पानी के नीचे रखें तो ये प्लांट्स निकालेगी, और अगर इसको पानी के ऊपर रखें तो फ्लावर्स निकालेगी। कुछ लोगों को फ्लावर्स ज़्यादा पसंद आते हैं तो वो ऊपर लगाते हैं, मैंने पानी के नीचे रखा है। तो प्रोपगेट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि इसको कट करना शुरू करते हैं। अब ये वाली जो शूट है इस पे एंड तक जो है सारे नोड्स में से पौधे निकल चुके हैं, तो इसको हम कट करना शुरू कर सकते हैं। जो पीछे एक और स्टेम है आप देखिए उसमें छोटे छोटे ये बॉल्स बनी हुई हैं, वो अभी तक प्लांट नहीं कर रहा है। तो खैर अब इसको कट करना शुरू करेंगे, सिंपल सीजर से कट कर लें और ये तैर के ऊपर आ जाएगा, और ये आपका बेबी अमेज़ॉन नया वाला जो है ये तैयार हो गया है। इसको आराम से कहीं भी प्लांट कर सकते हैं। देखिए रूट को प्लांट करते हैं, प्लांट को ऊपर की तरफ रखें। ये मैंने एक और प्लांट को निकाल लिया इसमें से, और इसके रूट को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, और इन दोनों को, ये दोनों प्लांट जो हैं इनको मुझे कहीं और प्लांट करना है। तो ये दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है, होपफुली ये ज़्यादा डेंस निकलेगा। तो आज मैंने सिर्फ दो ही अमेज़ॉन के ये बेबी प्लांट्स निकाले हैं, क्योंकि दूसरे जो मेरे टैंक्स हैं उसमें सिर्फ मुझे ये दो की ज़रूरत है। इनके जो रूट नेटवर्क होता है बहुत डेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा एक साथ लगाना भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। 1 से 1.5 महीने में मैं आपको ज़रूर एक अपडेट बना के दिखाऊँगा कि ये बेबीज़ जो हैं अब कितने बड़े हो गए। मज़ीद कोई प्लांट्स अगर मैंने निकाले तो वो भी कहाँ लगाएं, क्या हुआ है, वो भी अपडेट आपको देता रहूँगा।